श्री हनुमान बाग सेवा समिति जबलपुर के सानिध्य में गौलोक धाम सेवार्थ हेतु आज गौलोक धाम नीमखेड़ा झांसी घाट के पास शहपुरा में भूमि पूजन स्वामी जी सदानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा संतों की मौजूदगी में किया गया। श्री हनुमान बाग सेवा समिति एवं गौलोक धाम सेवा समिति के संरक्षक पंडित ब्रिजेश मिश्रा जी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 एकड़ भूमि में गौशाला का निर्माण झांसी घाट मुख्य मार्ग में किया जा रहा है, जहां विभिन्न प्रजाति की गौ माताओं का संग्रह कर उनकी सेवा की जाएगी। भूमि पूजन के इस आयोजन में गौ भक्त सहित जबलपुर के अन्य जिलों से धर्मावलंबी भी पहुंचे और गौ सेवा का संकल्प लिया। समस्त आज जगत में जो कलिकाल के प्रभाव को कहें या मानव विसंगतियां, गौ माता की सेवा करना जो हमारे एक सनातन धर्म है, जिसे आज गौलोक धाम के भूमि पूजन दिवस पर आमंत्रित परम पूज्य दंडी स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज विराजमान हुए और आसन से उन्होंने मंच के आसन पर विराजमान होकर समस्त भक्तों को जो ज्ञानवर्धक उनकी बुद्धि विकास हेतु बहुत सेवार्थ जागृति का जो उन्होंने विषय समस्त जन सामान्य को प्रदान किया कि गाय है क्या, जिसे हम गौ माता कहते हैं वह जीवनदायिनी ज्ञानदायिनी और हमारे समस्त सुख समृद्धियों और योगों को कैसे फल प्रदान करती हैं, उनकी हेतु उन्होंने कथाएं भी समस्त भक्तों को सुनाई और आज गौलोक धाम के भूमि पूजन के दिवस पर गौ महिमा का वर्णन करना लघु शब्दों में मैं ये कहूँ कि एक माँ बच्चे को 9 माह कोख में रखकर 1 वर्ष दूध पिला प्रदान करके उसके दूध के कर्ज से वह बालक समस्त जीवन भी सेवा करके उऋण नहीं हो पाता। जो गौ माता हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त हमें जीवन में दूध गौमूत्र गोबर और समस्त जीवनदायिनी वस्तुएं प्रदान करती हैं, उनके कर्ज से उऋण होने का क्या मार्ग है, इतना ही केवल विचार कर ले मनुष्य तो उसे पता चल जाए कि मातृ रूप क्या है और गौ सेवा का महत्व क्या है। गाय अपने जीवन को दुखी करके भी समस्त जगत के लिए कामना करती है कि मेरे पुत्र और समस्त जगत सुख समृद्धि और संपन्नता से परिपूर्ण रहे। तो मैं आज इस गौलोक धाम के भूमि पूजन दिवस पर समस्त जन सामान्य से और समस्त भक्तगणों से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि अपने घरों में एक गौ माता को अवश्य रखें और जहाँ पर भी यदि आपके पास रखने व्यवस्था नहीं है तो आपके आसपास में जहाँ पर भी गौ माता की सेवा हो रही हो उसमें आप अपना हाथ लगाएं और उस गौ माता की सेवा हेतु वहाँ पर समर्पण भाव अपना समर्पित करें। और इस गौलोक धाम का आज भूमि पूजन दिवस, गौलोक धाम की स्थापना करने का उद्देश्य यही है कि जन सामान्य को गौ माता से जोड़ना और आज की जो युवा पीढ़ी है जो गौमूत्र और गोबर से अपने आप को दूषित या उसे दुर्गंधपूर्ण मानकर उससे दूर होती जा रही है, उसका पालन पोषण करने से दूर हो रही है, उस जनरेशन को उस युवा पीढ़ी को गौ माता से जोड़ने के लिए यहाँ पर अतिथियों के लिए निवास कक्ष ताकि वहाँ पर समस्त भक्तजन अपने माता पिता परिजन पुरजनों के सहित बच्चों सहित यहाँ पर आए और उन्हें निवास प्राप्त हो और भोजन प्राप्त हो ताकि वो यहाँ रहकर अपने परिवार को गौ माता की सेवा हेतु समर्पित करें और जब उनके संपर्क में वह जीवन यहाँ पर एक पल भी या एक दिन भी व्यतीत करेंगे तो निश्चित है मुझे लगता है कि उस गौ सेवा के हेतु उनके हृदय में भी कहीं भावना जागृत होगी। तो मैं आज जनमानस के हेतु इस गौलोक धाम के भूमि पूजन के अवसर पर आप सभी से आग्रह करता हूं कि गौ सेवा हेतु हाथ बढ़ाइए और अपना सहयोग प्रदान कीजिए। गौलोक धाम सेवा समिति के गठन में अध्यक्ष श्री अनुराग सोनी जी, उपाध्यक्ष श्री दीपक उपाध्याय जी, सचिव डॉक्टर आशीष मिश्रा जी, सह सचिव श्री मनोज अवस्थी जी, कोषाध्यक्ष श्री आशु सेठी जी, संगठन मंत्री श्री अंकित मिश्रा जी, सह संगठन मंत्री श्री विजय पटेल जी, समस्त भक्तगण एवं श्री राम भक्त हनुमान बाग सेवा समिति के समस्त पदाधिकारी सदस्य गणों का सहयोग और यहाँ का जो सहपुरा नीमखेड़ा झांसी घाट के परिक्षेत्र और यहाँ की जो नगर पंचायत और समस्त जनमानस हैं उन सभी का सहयोग सदैव गौलोक धाम को प्राप्त होता रहे और गौ सेवा हेतु सभी का सहभागिता बनी रहे। माजी गौधाम के अलावा मतलब यहाँ और कोई स्थान बनेगा या कोई? यहाँ पर गौलोक धाम केवल गौ सेवा ही होगी, इसके
अलावा यहाँ पर केवल अतिथि निवास कक्ष है, सदाव्रत आश्रम है जहाँ पर साधु समाज के हेतु भोजन प्रबंध और विश्राम की व्यवस्था, और अतिथि जो अतिथि का अर्थ ये है कि जो गौ भक्त जो भी यहाँ पर आए उन्हें निशुल्क निवास और भोजन प्रबंध भी यहाँ पर उन्हें प्राप्त हो और गौ माता की वो यहाँ सेवा करें, जिसमें चारों धाम 24 अवतारों की परिक्रमा स्थली है। जो गरीब जन मानस जो चाहते हैं कभी तीर्थ जाना था, भगवत दर्शन करना था, वो अपने आर्थिक सुदृढ़ता ना होने की वजह से यदि वो तीर्थ नहीं जा पा रहे हैं तो इस गौ माता की परिक्रमा करने से ही उन्हें उन तीर्थों का फल प्राप्त हो जाए, इसके हेतु ही ये गौलोक धाम का निर्माण किया जा रहा है। इस क्षेत्र में जैसे गौ बहुत ज़्यादा घूमती रहती हैं, क्या उनके लिए कोई व्यवस्था होगी इस गौ धाम में? जो हमारे सड़क पर घूमने वाली गौ माताएं हैं उन्हीं को, जिन्हें लोग पालते थे और अभी भी पाल रहे हैं, जब वह दूध देती है तो उसे घर में बांध लेते हैं और जब वह दूध देना। दोस्तों देवियों सज्जनों, आप सभी को मालूम है कि आज समिति के प्रावधान में गौलोक सेवा समिति के द्वारा ये बृहद आयोजन, इसमें धर्मभूषण माननीय श्री ब्रजेश महाराज जी के सफल अथक प्रयासों से यह गौलोक धाम यहाँ पर सोच सार्थक होने जा रही है। इसका भूमि पूजन आज संपन्न होगा। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सरस्वती के शिष्य श्री सदानंद सरस्वती जी के महाराज के द्वारा, और आज इस गोलोक धाम के द्वारा यहाँ पर बहुत अनेकों ऐसे क्रियाकलाप होने जा रहे हैं जिसमें आप सभी अपने अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस गोलोक धाम में आप दर्शन करेंगे, जब स्थापना होगी तो 24 अवतार भगवान विष्णु के साथ में अनेकों गौ माताओं की यहाँ पर सेवा की जाएगी। सेवा समिति के सारे लोग यहाँ पर अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। विशाल गौ मुख्य द्वार होगा जिसके चरणों गौ के चरणों के नीचे से आपका आवागमन होगा। ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनके द्वारा ये गौलोक धाम पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध होगा, और आप सभी नगरवासियों ने इस महनीय कार्य में जो सहयोग प्रदान किया है उसके लिए अनुभाग धाम समिति और गौलोक सेवा समिति के सारे पदाधिकारी, सारे सदस्य, श्री ब्रजेश जी महाराज, आपका अत्यंत आभार करता हूं।